द ह्यूमन की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रोजेक्ट है मिनी पॉकेट गन या फिर मिनी बोतल कैप गन, जो कि सिर्फ दिखने में या फिर कहने में छोटा है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। यह पेपर की बुलेट्स को काफ़ी दूर तक शूट कर सकता है। साथ ही इसे बनाने के लिए हमने काफ़ी यूनिक और नए मैकेनिज्म्स का प्रयोग किया है। अब से आने वाली हर वीडियोस पिछली वीडियोस पे और यूट्यूब पर मिलने वाली बाकी वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, क्योंकि हर वीडियो में आपको एक एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ समझाऊंगा और जो वीडियोस यानी प्रोजेक्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे। आप पहली बार उन्हें अपने चैनल पर देखोगे। अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो जुड़े रहिए और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक का पुराना पेन लेंगे, स्केल का यूज़ करेंगे और 3 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग को आरी की हेल्प से काट लेंगे। काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक बार फिर से टेप का यूज़ करेंगे, 1 सेंटीमीटर पर मार्किंग करेंगे और मार्किंग को थोड़ा चौड़ा कर लेंगे। इसकी चौड़ाई PVC सीट की तरह रखेंगे। आरी की हेल्प से इसे काट लेंगे और काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और जो PVC शीट है वो इसके अंदर बाहर आ जानी चाहिए। अब एक पेन का स्प्रिंग लेंगे और पुराने पेपर की बुलेट को लेंगे, बुलेट के ऊपर फेविक्विक को लगा देंगे, उसके बाद स्प्रिंग को इसके ऊपर चिपका देंगे। अब पेन के टुकड़े को लेंगे और स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगा देंगे। बचे हुए पेपर के एक्स्ट्रा पार्ट को कटर की हेल्प से काट लेंगे। इसके ऊपर भी फेविक्विक को लगा देंगे। अब एक बोतल का केप लेंगे, बीचों बीच में मार्किंग करेंगे, ड्रिल या फिर कैंची की मदद से इसमें होल कर लेंगे। होल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब पेन के टुकड़े को लेंगे और इसके अंदर इसे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। अब इसके दोनों साइड फेविक्विक को लगा देंगे। अब एक पेन रिफिल और प्लास्टिक के टुकड़े को कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब टेप की हेल्प से बीचों बीच में सेंटर माप लेंगे और एक साइड हम रिफिल के बराबर होल करेंगे और दूसरी साइड सुई के बराबर होल करेंगे। पहले रिफिल को अंदर लगा लेंगे। अब एक सुई या फिर रोल पिन को लेंगे और दूसरी साइड इसे लगा देंगे और लगाने के बाद इसे रिफिल के अंदर धकेल देंगे। हमारा जो ट्रिगर मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। अब एक 2 रुपये वाला पेन लेंगे, आरी की हेल्प से कुछ इतना बड़ा पीस इसका काट लेंगे और काटने के बाद इसका जो होल है वो थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि रिफिल के अंदर ये चला जाए। अब एक स्प्रिंग का छोटा टुकड़ा लेंगे और इसे रिफिल के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद पेन का जो टुकड़ा था उसे इसके अंदर फंसा लेंगे। सुपर ग्लू की हेल्प से इसे भी चिपका देंगे। अब एक प्लास्टिक की शीट लेंगे और ढक्कन की मार्किंग करेंगे जो कि 3 सेंटीमीटर है और दूसरी मार्किंग हम 1.5 सेंटीमीटर की करेंगे। अब PVC शीट पर हम एक सर्कल यानी गोल आकार का बना लेंगे। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और कटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बोतल के कैप को लेंगे और इसके ऊपर प्लास्टिक के टुकड़े को कुछ इस तरीके से रखकर फेविक्विक से चिपका देंगे। हमारी पॉकेट गन रेडी है और ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगी। अब बुलेट बनाने के लिए हम 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक पेपर को लेंगे और उसकी बुलेट बना लेंगे। इसके भी दोनों साइड फेविक्विक को लगा लेंगे। पहले हमने पेन पर 1 सेंटीमीटर की मार्किंग की थी, इसलिए यहाँ पे भी हम 1 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेंगे और कटर की हेल्प से हाफ कट यानी आधा कट यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद कटर की हेल्प से सामने से कुछ तिरछा कट हम यहाँ पे लगा लेंगे और कट लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके ऊपर फेविक्विक को लगा लेंगे और लास्ट में पेपर बुलेट को एंड में से भी थोड़ा सा काट देंगे जिससे कि ये हमारी गन के अंदर आसानी से चली जाए। अब यहाँ पे भी हम फेविक्विक लगा देंगे।
Thank you.